अब यहाँ पर आप देखियो भाई, कौटिल्य कैंपस के बच्चों का कमाल। तो बच्चों ने क्या सीखा है यहाँ कौटिल्य कैंपस में, तो बच्चे आपको बताएंगे। तो देखिए आगे वीडियो में, जितने भी सवाल थे वो सारे के सारे टोटली निकाले, और उसके बाद जो आरडी शर्मा का मैच होता है 165 सवाल एक ही रात में निकाले, केवल एक ही रात में। फिर हमने उसी को एक और प्रयोग करके देखा जो 8 वर्ष का था, हमने 8 क्लास की साइंस करवा के देखी, और वो 8 क्लास की साइंस के 7 चैप्टर उसको बहुत अच्छे तरीके से आते थे। अभी 10 वर्ष का है, यूनिवर्सिटी में जाता है, वहां पर क्वांटम फिजिक्स पढ़ता है, और 10th क्लास का जो IGCSE का बोर्ड है उसकी 9th का भी 10th की भी दोनों की साइंस की कंप्लीट हो चुकी है, और मैथ्स भी लोग कंप्लीट हो चुका है। और यदि आप इसको, जैसे यहां पर था सबसे ज्यादा खेलने वाला, ये बच्चे तो जानते ही है कितना शरारती है, और वो पढ़ने में नहीं देता, इट बहुत ज्यादा शरारती, हर गेम में टॉप का, और सबसे कम पढ़ने वालों में कौटिल्य है, कारण उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल विकसित हो चुका है। ये जो बच्चे हैं यहां पर आप बैठे हैं, अब इनका डेमो होगा, ये भी लगभग आप इनको देखेंगे ठीक एक वर्ष बाद, हालांकि हमारे पास से तो ये 2-3 महीने में फ्री हो जाएंगे, लेकिन एक वर्ष बाद ये ऐसे होंगे, यदि इनको MSc की यदि किताबें पढ़े एकदम से इनकी समझ में आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं तरह की है। और इनकी मम्मी अभी आई हमारे पास, वो बड़ी खुश है, उन्होंने कहा कि सर, मैंने कहा कि अभी ये मार्च में ये तो तैयार है ही, कोई दिक्कत नहीं, इसको हमें एक्स्ट्रा टाइम देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा ये करके कि सर नहीं, पुलकित तो जब तक जीवन में सफल नहीं होती है, हम तो ये सोचते हैं आपके साथ ही रहे, सफल होके ही यहाँ से निकले, तो हमारी इस बेटी के ऊपर हमें वैसे भी गर्व है, बहुत अच्छी है। तो मैं चाहूंगा एक बार पुलकित भी, ये हर फील्ड में, साइंस में भी उतनी अच्छी है, मैथ्स में भी उतनी अच्छी है, SS में भी उतनी अच्छी है, रीजनिंग या और चीजों में भी। तो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज पुलकित एंड आई एम इन ग्रेड 8 एंड आई एम अ नेशनल लेवल टाइकोंडो प्लेयर एंड अ डांसर एंड आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर टू, एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। एज वी ऑल नो द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, नॉट ओनली बेसिक बट फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑल्सो। तो क्यों हम सेल को बेसिक यूनिट क्यों कहते हैं लाइफ की? एज वी ऑल नो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल होता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की शुरुआत ही सेल से हुई है, और जैसा हमें पता है कि जो फर्स्ट सेल था वो अमीबा का सेल था, अ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म अमीबा, उसका सबसे पहला सेल मिला था। और तो उसके बाद सेल तो बेसिक यूनिट है ही, क्यों है? जैसे हम ब्रिक्स को ज्वाइन करते हैं तो एक बिल्डिंग बनती है, राइट? ऐसे अगर हम सेल्स को ज्वाइन करते हैं, जब सेल्स कंबाइन होते हैं तो एक पूरी बॉडी, एक ऑर्गेनिज्म बनता है, इसीलिए सेल को बेसिक यूनिट कहा जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और ऐसे ही जो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल्स का जो ग्रुप होता है, उससे टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर ऑर्गन, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म, इसी को हम सेंट्रल डॉग्मा ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। अब इसके बाद सेल की डिस्कवरी कैसे हुई? सेल की डिस्कवरी भी हुई है तभी हमें पता चला है कि सेल नाम की भी कोई चीज है। तो सेल की डिस्कवरी 1665 में हुई थी। 1665 में एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक, जिसने डिस्कवर किया था सेल को। और कैसे डिस्कवर किया था? जैसा हमें पता है कि एनिमल्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो प्लांट्स का जो वुड है ऑब्वियसली उसमें भी सेल्स मिलेंगे। तो उसने, रॉबर्ट हुक ने वुडन कोर ली, उसके थिन स्लाइसेस लिए, और उस टाइम पे माइक्रोस्कोप डेवलप नहीं थे, तो उसने खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया और उसने देखा कि उस वुडन कोर के अंदर स्मॉल कंपार्टमेंट, स्मॉल रूम्स हैं, जिसका जो लैटिन वर्ड में जिसे हम सेल्यूला कहते हैं। ये मान्या बत्रा बहुत अच्छी लड़की है, और रियल में 7th में, और ठीक उसी सेम स्टैंडर्ड में ही है, 10th का मैथ्स अब भी सोल्व कर सकती है, और 12th तक की साइंस वगैरह समझ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैंने पहले भी कहा था, यदि कोई टीचर यहाँ बैठे हो, इनमें से किसी भी एक बच्चे को ले, एक चैप्टर वहां तक करवाएं, और उसके बाद उनके आंसर वो बच्चा यहाँ आके देगा मंच पर, और ये भी बताएगा मैंने आज पढ़ा क्या। तो मैं चाहूंगा कि एक बार मान्या भी। गुड इवनिंग एवरीवन, टुडे आई मान्य
बत्रा आई एम 20 ऑफ कोटिल्या कैंपस आई एम इन ग्रेड 7 टुडे आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू टू टेल यू अबाउट डाइजेशन एज वी ऑल नो डाइजेशन मींस पचाना पचाना किसको फूड को तो आज हम दो चीजों पे पढ़ेंगे अमीबा और हमारे ह्यूमन बींग्स में नहीं यदि आप इंग्लिश में कहेंगे तो उसमें बोलेंगे ये तो हमने कहा बीच में कि मिक्सअप करो इसको तो शी कहने सो नाउ फर्स्ट वी स्टडी इन अमीबा अमीबा इज अ इट हैज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इट हैज कॉल्ड पॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नाउ इट हैज अ प्रोसेस बाय विच इट इनटेक एंड देन इट विल एक्सक्रीट आउट सो नंबर वन intake ingestion it has an intake of food why amoeba do not intake food because it didn't have any mouth for eating so now digestion if there is an amoeba if it saw a food particle or food substance they will go to the particle food particle in the process of locomotion and If amoeba by the near of food particle and food enter in its body, then food is called food vacuole. Now nucleus and वो food vacuole जो बना amoeba के अंदर आके वो nucleus के अंदर जाएगा और उसमें जो वेल्दी मतलब जो हेल्दी substance होगा उसको अपने पास रख लेगा और जो अनहेल्दी substance होगा उसको excrete out कर देगा तो ये तो था हमारा amoeba में उसके बाद हम ह्यूमन बींग्स तो एक बार उनके लिए तालियां और यह ज्योत्सना बहुत अच्छी लड़की है 6 इयर्स ओल्ड फर्स्ट क्लास में पढ़ती है फर्स्ट में पढ़ती है और 6 क्लास के साइंस के चैप्टर वहां तक के ये इजीली समझ लेती है और एक्सप्लेन भी कर लेती है ऐसे समझ सकती है लेकिन अब भी यूनिवर्स क्योंकि किसी भी बच्चे ने उसको अभी स्टार्ट नहीं किया और हमारी एकेडमी में स्टार्टिंग ही यूनिवर्स से होती है कि पहले बच्चा यूनिवर्स को समझे एक बार अच्छे तरीके से ये सारा सिस्टम किस तरीके से बना कैसे संचालित है वो समझ में आने के बाद फिर प्रचित बहुत छोटी हो जाती है तो एक बार आप यूनिवर्स को Hello everyone, my name is Jotsna. I am 6 years old and I am Trini Ankutole campus. Today I want to tell you about space. What is space? सबसे पहले सारा मैटर था वो एक जगह पे इकट्ठा हुआ किसकी वजह से ग्रेविटी की वजह से और उसके बाद एक एक्सप्लोजन हुआ जिसका नाम रखा गया बिग बैंग और बिग बैंग से हमारी यूनिवर्स बनी यूनिवर्स में क्या है गैलेक्सीज कितने गैलेक्सीज मोर देन 100 बिलियन गैलेक्सीज और वन गैलेक्सी में मोर देन 100 बिलियन स्टार्स और अब मैं आपको बताऊंगी सोलर सिस्टम एक प्लैनेट्स होते हैं मरकरी विनर अर्थ मार्स जुपिटर यूरेनस और नेपच्यून मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है और उसके पास कितने मून है 0 मून है और अब आते हैं विनर्स विनर्स के पास भी 0 मून है पर वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है और मार्च के पास 2 मून है और उसको हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं और अब आता है टर्की साइप्रस सीरिया लेबनान इजराइल पैलेस्टीन जॉर्डन सऊदी अरेबिया कुवैत बहरीन कतर यूएई ओमन यमन मालदीव्स और मैं आपको बताऊंगा नॉर्थ अमेरिका ट्रिनिडाड एंड टोबैगो ग्रेनाडा बारबाडोस सेंट किट्स एंड नेविस
सैन लुसिया डोमिनिका एंटीगुआ एंड बारबुडा सैन किट्स एंड नेविस डोमिनिकन रिपब्लिक हेती बहामा क्यूबा नहीं ये मैप के अकॉर्डिंग रुको मैप के अकॉर्डिंग और ये अपने जीवन में फर्स्ट टाइम इसने बाहर माइक पकड़ा है या तो इसने एकेडमी में पकड़ा था या फिर अभी इसका जो इस तरीके का जो इसकी प्रेजेंटेशन है वो इसके लाइफ में फर्स्ट टाइम है। केवल वही नहीं इनको हिस्ट्री भी काफी कुछ आती है ज्योग्राफी भी और साइंस वगैरह भी क्योंकि और इसी की क्लास और बच्चे हैं तो हम टॉपिक चेंज करके और जो इसको पता है वो और कोई पता है सभी को तो वेरी गुड शाबाश एक बार आपको अच्छा लगा बता दिया। और अब भी ये तनिष्का वर्मा ये बहुत अच्छी लड़की है तो हमने वैसे पूछा कि कार किसके घर में है ओके वो किसके तो हमने तो प्राइवेट जेट किसके घर में है इसने आके हमारे घर में है बेटे अब कहा है कि वो मम्मी ने ना नीचे छुपो दिया है ओके बहुत अच्छी बच्ची है ये तो हम चाहेंगे कि ये अपना साइंस और साइंस के तो काफी चैप्टर याद है जैसे यूनिवर्स के बारे में काफी कुछ बोल सकती है साउंड के बारे में मैटर के बारे में तो सिक्स सेवन्थ में आमतौर पर चैप्टर हुआ करते हैं मैथ वगैरह इनको आता है पीरियोडिक टेबल आती है तो चलो जो आपकी इच्छा करे ठीक है ओके। हेलो एवरीवन माय नेम इज तनिष्का आई एम सिक्स ईयर ओल्ड आई एम इन ग्रेड फर्स्ट एंड द ट्रेनी ऑफ कोडल्ले कैंपस टुडे आई विल एक्सप्लेन अबाउट मैटर एंड मोशन। मैटर होते जो कोई भी चीज स्पेस लेती है और उसका खुद का वेट होता है उसे हम कहते हैं मैटर। और मैटर किससे बना होता है एटम से। एटम के अंदर तीन चार्ज होते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब मैं आपको बताऊंगी इसकी फोर स्टेट्स सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा। अगर हम सॉलिड को हीट कर देंगे वो लिक्विड में बदल जाएगा। अगर हम लिक्विड को भी हीट कर देंगे वो गैस में बदल जाएगा। अगर हम गैस को भी हीट करेंगे वो प्लाज्मा में बदल जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगी इसके एग्जांपल्स। सॉलिड मतलब आइस क्यूब लिक्विड मतलब वॉटर गैस गैस मतलब हाइड्रोजन हीलियम एंड एसेट्रा और प्लाज्मा मतलब आयंस उसके अंदर आयंस होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी मोशन। मोशन होता है जो कोई भी चीज अब मैं आपको बताऊंगी पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम ब्रोंज कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कबा निकल कॉपर जिंक कैलियम जर्मेनियम और सेलेनियम। सेलेनियम और ये ना हमेशा खुश रहती है इसके फेस पर लगभग स्माइलिंग रहती है लगभग। तो चलो बहुत अच्छी बात है बैठिए। और चलो एक मिनट मैथ्स में थोड़ा सा इंडियन नंबर सिस्टम ओके चलो ठीक है। तो अब भी हमारे सामने आओ बेटे क्या नाम मान सान्या। ये सान्या है और यदि आपने अभी थोड़े दिन पहले एक डांस बड़ा चर्चित हुआ पानीपत का बिल्कुल छोटी सी लड़की कौन सा गीत था वो छोटी सी बंडी एंड सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा न्यूज चैनल्स ने जो सोशल मीडिया के होते हैं और सभी में मिलियंस से ऊपर ऊपर उसके वो रहे चार चार पांच पांच मिलियन में उसके व्यूवर रहे। तो वो इसकी छोटी बहन है और वो हमारी ट्रेनी भी है और इत्तेफाक से आज उसकी क्लास है तो वैसे भी सभी को लेके नहीं आ सकते तो दोनों बहनों में से एक को चुना। तो ये अब सिक्स में है टेंथ क्लास के साइंस वहां तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेंथ क्लास तक का कुछ भी इनको समझाया जाए एकदम से समझ में आ सकता है इवन देन मैथ्स। इस दौरान ये बच्चे उस कैपेसिटी में है। तो एक बार कौन सा सब्जेक्ट लोगे आप एसएस ओके नहीं आप साइंस कहेंगे तो उसमें बोलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन चलो फिलहाल इसका वो अच्छा हुआ शायद तो बोलो। हेलो एवरीवन
My name is Sanya and today I will explain about Gupta Empire. So Gupta Empire mein main 7 kings the. So first Sri Gupta. Sri Gupta was the founder of Gupta dynasty. Time period is 272-300 AD. After that Ghatotkach. Ghatotkach time period is 300-319 AD. After that Chandragupta I ने अपने आपको टाइटल दिया महाराजा धीराज मतलब कि किंग ऑफ द ग्रेट किंग्स. After that समुद्रगुप्त. After that चंद्रगुप्त सेकेंड ने अपने आपको टाइटल दिया विक्रम आदित्य यानी कि सन ऑफ पावर. After that कुमारगुप्त एंड after that शकुंतलगुप्त. इनमें से 3 किंग्स ग्लोरियस किंग थे. कौन से थे 3 किंग्स ग्लोरियस किंग? कौन कौन से? चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त सेकेंड. और इनका गुप्ता ईरा गोल्डन ईरा क्यों था? क्योंकि ये ट्रेड और कॉमर्स को फ्लरिश करके रखते थे एंड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखते थे. और वहाँ की क्लासिकल लैंग्वेज जो की डेवलप हुई थी वो कौन सी थी? संस्कृत. अब मैं आपको बताऊंगी चंद्रगुप्त वन के बारे में. चंद्रगुप्त वन ने अपने आपको क्या टाइटल दिया? महाराजा धीराज मतलब कि किंग ऑफ द ग्रेट किंग्स. और इसने लिच्छवी की प्रिंसेस कुमार देवी के साथ मैरिज करी और इसने क्या करवाए? कॉइन मिंट करवाए. फ्रंट साइड पे अपनी और लिच्छवी की प्रिंसेस कुमार देवी की फोटो छिपाई और बैक साइड पे लक्ष्मी देवी की. और अब मैं आपको बताऊंगी समुद्रगुप्त जो किंग्स होते हैं जो नहीं, ऐसा नहीं है. ओके, मान लिया कि जो मैं वर्ड यूज करता हूँ आधे लोगों को पता नहीं होंगे, लेकिन जो वर्ड आधे लोग यूज करते हैं आई एम नॉट श्योर कि वो मेरे को पता होंगे. वहां पर एक गवर्नमेंट जॉब को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है. तो मनोज रावल अभी पीछे हरियाणा सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब निकाली थी कॉलेज में और उस पूरे इलाके का पहला ऐसा बच्चा था जिसके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया. अभी मेरा नाम उसने प्रोफेसर था. तो हमारे साथ कुछ और यहाँ पर बच्चे आए तो मैं कुछ एक और गांव के बच्चों के बारे में आपको बताना चाहूंगा जो हमने पानीपत में स्टार्ट किया और ये सभी अच्छे स्कूलों के बच्चे जो यहाँ पर बैठे हैं. थोड़ी देर में आप उनका डेमो भी देखेंगे. हमने वे गांव के बच्चे पानीपत में दिखाए 10-12 ले जाकर कि हम इन जैसा आपके बच्चों को तैयार करेंगे और इनके पेरेंट्स ने हम पर विश्वास किया. आज इन बच्चों के अंदर भी कुछ और हो चुका है कि हम जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं और इनका अंडरस्टैंड लेवल वास्तव में जैसा हमने सोचा था आज उससे कहीं बेटर मिला जो कुछ ये आज कर रहे हैं. तो वहां पर क्या करते थे बच्चे हमारे, यदि आपने न्यूज़पेपर वगैरह में तो भी पढ़ा हो, हिंदी के पेपर में ज्यादा न्यूज आई, एक लड़की ईशु दैया 8वीं क्लास में पढ़ती थी 22 लैंग्वेज जानती. एक हमारा विद्यार्थी नीरज दैया, यदि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं तो आप सोचकर देखना इस बात, 5th क्लास में जब वो पढ़ा करते थे ग्रेजुएशन तक के बच्चों को इंग्लिश ग्रामर की कोचिंग दिया करते थे 5th क्लास के बच्चे. यहाँ 5th में कौन है? कोई है 5th का? स्टैंड अप. मानो कि इसके पास ग्रेजुएशन तक के बच्चे आए
और फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, फीस लेके आए और ग्रुप में आए 20-20 का बैच। नीरज दैया और एक राहुल दो थे, वो दोनों के दोनों ग्रेजुएशन तक के बच्चों को कोचिंग दिया करते थे। आजकल एक यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वहां पे दिल्ली में, और दूसरा भी अपने ग्रेजुएशन साथ में अपने यही कोचिंग वगैरह का यही उसने अपना लिया है। तो फिर हमने एक बार एक क्या प्रयोग करके देखा, यदि हम कोटिल्य की बात करें तो बिहार से हमारे एक मित्र आए मैथमेटिक्स गुरु आर के श्रीवास्तव। उन दिनों में कोटिल्य 8 वर्ष का था, उन्होंने कोटिल्य को ट्रिग्नोमेट्री करवाई 10th क्लास की एनसीईआरटी। लगभग 10 साल से मैं इनके साथ हूँ, मैं जहां भी इनको गया, जिनके साथ जहां भी गया, जिन्होंने इनको सुना और समझा और इम्प्लीमेंट किया उस चीज पे, तो सच में वो आज पता नहीं कहाँ कहाँ पे सेट अपनी लाइफ में, सच में कहाँ कहाँ पे सेट है। तो आप प्लीज बेझिझक पूछिएगा, विदाउट हेजिटेशन आप पूछिएगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है। कई बार होता है कि हमारे मन में होता है लेकिन हम पूछ नहीं पाते, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आप पूछिएगा, जरूर पूछिएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आजकल के पेरेंट्स पहले होता था। पहले तो सभी का धन्यवाद, आप इतनी बड़ी संख्या में आए और ऐसा नहीं लगता था कि आप इतनी संख्या में आएंगे। वास्तव में हम तो सोचते थे कि 20-30-40 लोग शायद फर्स्ट मीटिंग है और कितने लोग आएंगे। तो सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सुनने के लिए आए।